हाँ तो दोस्तों, एलसीएम एचसीएफ की इसी सीरीज को अपन और आगे बढ़ा रहे थे और आगे बढ़ा देते हैं। तो आगे बढ़ाने के सीरीज में अपना अगला प्रश्न है दोस्तों, 7/16, 21/21। इससे पहले एक प्रश्न और रह रहा था। प्रश्न ये था दोस्तों, ये कंप्लीट नहीं हुआ था ना। क्वेश्चन ये है दोस्तों, ए बराबर 3/4 और 9/16 का एचसीएफ, यानी कि आपको क्या निकालना है, 3/4 और 9/16 का तो क्या निकालना है, ए है। ये क्या है, इनका जो एच सी एफ है, इनका क्या है, एच सी एफ है, वो क्या है आपका, ए है। और बी क्या है, 16/5 और 4/25, इसका क्या है, ये एल सी एम, जो आपका क्या है, बी है। आपको फ्रैक्शन का एल सी एम और एच सी एफ निकालने का तरीका मैंने बता रखा था। जब भी फ्रैक्शन का एलसीएम या फिर एचसीएफ निकालते हैं, तो भिन्नों का एलसीएम जब भी निकालेंगे तो ऊपर यानी कि जो अंश यानी कि जो न्यूमरेटर है उनका एलसीएम आएगा और नीचे वाले का एचसीएफ आएगा। यानी कि जो निकालना है तो उनके अंशों का वही निकालना है। अगर एलसीएम पूछ रहा है तो अंशों का एलसीएम और हरों का एचसीएफ, और एचसीएफ पूछ रहा है तो अंशों का एचसीएफ, हरों का एलसीएम। तो इसका एच सी एफ क्या होगा बताओ, 3/4 और 9/16 का एच सी एफ, यानी कि ऊपर वाली संख्याओं का तो एच सी एफ निकालना है। 3 और 9 का एच सी एफ होता है 3, और इनका निकालना है आपको एल सी एम। 4 और 16 का एल सी एम होता है 16। ऐसे ही जब आपको बी निकालना हो इनका एल सी एम, तो 16 और 4 का एल सी एम 16 ही होगा, 25 और 5 का एच सी एफ यानी कि 5 ही होगा, और आपको निकालना है ए प्लस बी का मान, इन दोनों का योग निकालना है, यानी कि 3/16 प्लस 16/5। 16 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेना है आपको, यही ना प्रश्न। तो इनका एलसीएम 16 × 5, 16 × 5 = 80 होता है, और 3 को 5 से करोगे तो 15, 16 को 16 से, यानी कि 16 का वर्ग कितना होता है, 256। 256 के अंदर आप 15 जोड़ दो तो 271 अपॉन क्या आ जाएगा, 80। यह आपका क्या आ जाएगा, आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, इन इनका एच सी एफ कितना होगा। भिन्नों का एच सी एफ कैसे निकालेंगे, 7/16, 21/32 और 49/8। ऊपर वाले का अपन क्या निकालेंगे दोस्तों, एच सी एफ, नीचे वाले का अपन क्या निकालेंगे दोस्तों, एल सी एम। तो 7, 21 और 49 का एच सी एफ आएगा आपके पास 7, 16, 32 और 8 का एल सी एम आएगा 32। कितना आएगा, 32 ही आएगा। तो 7/32 क्या है आपका, आंसर। हर बार एल सी एम एच सी एफ निकाल के नहीं बताऊंगा भाई कैसे आ रहा है। अगर आपको ये जानना है कि इसका एल सी एम और एच सी एफ कितना कितना कैसे कैसे आया, तो उसके लिए आपको पिछले वाले वीडियो को देखना पड़ेगा, पिछले सीरीज को देखना पड़ेगा। अब प्रश्न है, दो संख्याओं का एल सी एम उनके एच सी एफ का 6 गुना है, यानी कि उनका जो एल सी एम है दोस्तों वो एच सी एफ का कितना गुना है, 6 गुना है। यदि उनमें से एक संख्या 45 हो और एच सी एफ और एल सी एम का योग 315 हो, यानी कि आपको एल सी एम प्लस एच सी एफ का मान दे रखा है कितना, 315। ठीक है, और एक संख्या आपके पास 45 है, एक संख्या आपके पास कितनी है, 45 है, तो दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है आपको। ठीक है, ऐसे प्रश्न जब भी आएंगे दोस्तों आपको क्या करना है, आपको ये पता है एच सी एफ प्लस एल सी एम का मान इतना दे रखा है, यहां पर जो एल सी एम का मान एच सी एफ इंटू 6 ही यहां रख दो, तो कितना आएगा बताओ, एच सी एफ इंटू 6, या मैं बोलूं 6 एच सी एफ प्लस एक और एच सी एफ बराबर 315। 7 एच सी एफ बराबर कितना आ गया बताओ, 315। एच सी एफ का मान निकालेंगे तो 315 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 × 4 = 28, 3 × 5 = 7, 5 = 35। एच सी एफ आपके पास 15 आ गया, एल सी एम आपके पास किस कितना आएगा बताओ, इसका 6 गुना है, तो 45 × 6 कितना होता है, 45 × 90 और 45 × 4 = 180,
180 और 90 कितना होता है? 270। तो एलसीएम 270 आ गया आपके पास। एचसीएफ आपके पास 45 है। एक संख्या आपके पास कितनी है? 45। तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। फॉर्मूला क्या होता था दोस्तों बताओ? एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर। बताओ एलसीएम कितना आ रहा है इसका? 270। एचसीएफ कितना आ रहा है? 45। पहली संख्या कितनी है? एक संख्या 45 है और दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। 45 से 45 कटा तो सेकेंड नंबर कितना आएगा बताओ दोस्तों? 270 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, उनका एलसीएम 56 है, तो उनका एचसीएफ ज्ञात करो। दोस्तों वही प्रश्न है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो पहली संख्या इंटू सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। दोनों संख्याओं का गुणा का मान कितना है? 1568 बराबर एलसीएम 56 है, 56 बटे में चला जाएगा बराबर एचसीएफ आ जाएगा। काट दो इसको, ठीक है? तो कैसे करेंगे बताओ? किससे कट रहा है ये? 8 से कट रहा है। आठ दुनी आठ, 7 बार कटा, 8 से 1 बार कटा, 6 बचा, 7 बचा ना, 8 नाम 72, 4 8 से 48, फिर 7 से कट रहा है ये, 7 दुनी 14, 7 और 56, 28 आ गया आपके पास किसका मान? एच सी एफ का मान 28, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दो क्रमागत सम संख्याओं का एलसीएम 144 है, संख्याएं ज्ञात करो। दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है, दो क्रमागत सम संख्याएं। इस टॉपिक को या इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, दो क्रमागत संख्याओं का एलसीएम 144 है तो वो संख्याएं ज्ञात करनी है आपको। दो क्रमागत सम संख्याएं हैं। अब सम संख्याएं क्या होती है वो आपको पता है, नंबर सिस्टम में बता रखा मैंने आपको। मान लो वो संख्या 4 और 6 है, इनका एलसीएम कितना होगा बताओ? वो संख्या जिसमें 4 का भी भाग जाए और 6 का भी भाग जाए, तो 12 वो संख्या इसका एलसीएम आ गया। इसके अगर अपन एचसीएफ की बात करें तो बताओ एचसीएफ कितना होगा? 2 आएगा इसका एचसीएफ। मैं कहूं 8 और 10 दो क्रमागत सम संख्या है, एचसीएफ इसका कितना आएगा? 2। मैं कहूं 10 और 12 दो क्रमागत सम संख्या है, इनका एचसीएफ कितना आएगा? 2। मैं कहूं 12 और 14 दो क्रमागत सम संख्या है, इनका एचसीएफ कितना आएगा? 2। मैं कहूं 16 और 18 दो क्रमागत सम संख्याएं हैं, एचसीएफ कितना आएगा? 2। यानी कि मेरा कहने का मतलब यह है कि दो क्रमागत सम संख्याओं का एचसीएफ हमेशा कितना आता है दोस्तों? 2 आता है। कितना आता है? 2। तो आपको एलसीएम का मान दे रखा है 144। मैंने कहा ये पॉइंट नोट कर लेना दोस्तों कि दो क्रमागत सम संख्याओं का एचसीएफ हमेशा कितना आता है? 2 ही होता है। कितना होता है? 2 होता है, ठीक है। 144 एलसीएम है और इसका एचसीएफ 2 आएगा, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ये आपको निकालना है। तो 144 को 2 से इंटू करो, 288 आ जाएगा, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। अब ऐसी दो संख्याएं निकाल लो, या मैं कहूं कि 288 के फैक्टर कर लो, 288 के फैक्टर कर लो। ध्यान रखना दोस्तों गुणनखंड विधि से ही करना पड़ेगा, बताऊं क्यों? इसको तो आपने नोट कर ही लिया होगा, मिटा देता हूं मैं इसको ना। 288 को आप क्या करोगे दोस्तों? तोड़ोगे, 2 से 144 बार, फिर 2 से 72 टाइम, फिर 2 से, मैं ऐसे क्यों तोड़ रहा हूं पता है? मुझे दो क्रमागत सम संख्याएं चाहिए, फिर 2 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1। मेरे पास आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब इनको गुणा करके आपको दो क्रमागत सम संख्याएं निकालनी है। मैं कहूं 2 दुनी 4 दुनी 8 दुनी 16, 3 3 9 दुनी 18, 16 और 18 दो क्रमागत सम संख्याएं है ना,
तो बस यही आपका क्या आ जाएगा आंसर। सर आपने यहीं पे क्यों रोका, यहाँ भी कर सकते थे, करके देखो ना। दो दुनी चार दुनी आठ, तीन तिया नौ दुनी अठारह दुनी छत्तीस, संख्याएं तो दोनों समी आएगी लेकिन ये क्रमागत नहीं है, क्रमागत संख्याएं केवल 18 और 16 ही आएगी। अगला प्रश्न है, दो क्रमागत संख्या दो संख्याओं का एलसीएम इनके एचसीएफ का 40 गुना है, यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल इतना है तो एचसीएफ ज्ञात करो। दो संख्याओं का एलसीएम इनके एचसीएफ का, यानी कि एलसीएम बराबर है 40 एचसीएफ, ठीक है। संख्याओं का गुणनफल यानी कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, गुणनफल 1440 है, एलसीएम कितना है 40 एच है और एक इनका एच है, तो 41 एच बराबर कितना 1440। कुछ दिक्कत तो नहीं है इसमें, काटा पीटी करने में मिस्टेक होगी शायद। ऐसे नहीं हो पाएगा। इनका एच सी एफ है ना 40 गुना है, एलसीएम इनके एच सी एफ का 40 गुना है, तो ओ सॉरी यहाँ जोड़ दिया मैंने, 40 एच स्क्वायर कितना आ जाएगा आपके पास, ये एच स्क्वायर का मान निकालो, 1440 बटे में कितना 40, ये कटा, चार तिया 12, चार छक्के 24 बराबर चार तिया 12 36 आ गया एच स्क्वायर, तो एच का मान कितना आ गया बताओ, एच सी एफ आ गया आपका 6, एच सी एफ आपका 6 आ गया, तो क्या पूछ रहा आपको, बस एच सी एफ ही तो पूछ रहा था, 6 आपका क्या आ जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का एच सी एफ 24 है, इनका एलसीएम निम्न में से कौन हो सकता है। बड़ा अच्छा प्रश्न है दोस्तों, एच सी एफ आपको दे रखा है और एलसीएम इनमें से क्या हो सकता है, तो ध्यान देना दोस्तों, एच सी एफ जो है ना इनमें से कौन सा हो सकता है। तो ध्यान देना, एच सी एफ जो होता है ना दोस्तों वो हमेशा एलसीएम का एक गुणनखंड होता है, क्या होता है गुणनखंड होता है, तो एलसीएम क्या हो सकता है, 8 हो सकता है, 12 हो सकता है, 24 हो सकता है या फिर 48 हो सकता है, तो वो क्या आएगा दोस्तों 8 हो सकता है, ठीक है, क्योंकि 8 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 24 को काट रही है। इस पर आगे डिस्कस और करेंगे, ऐसे प्रश्न और भी है मेरे पास। दो संख्याओं का एच सी एफ और एलसीएम क्रमशः इतना इतना है, यदि उनमें से एक संख्या को 2 से विभाजित करने पर भागफल 19 आता है, तो दोस्तों बहुत इजी प्रश्न है, जैसा प्रश्न होता है वैसे ही है, बस यहाँ से खोट कर दी इसने, एक संख्या को 2 से भाग करने पर 19 प्राप्त होता है, यानी कि एक्स को 2 से भाग करने पर कितना आया 19, तो एक संख्या आपकी कितनी मिल गई 19 दुनी 38, ठीक है। एच सी एफ और एल सी एम क्रमशः, तो 19 इंटू 342 बटे 38 बराबर क्या आ जाएगा सेकेंड नंबर, निकाल लोगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, दो संख्याओं का एच सी एफ 4 है, उनका एल सी एम के अन्य दो गुणनखंड कितने हैं, 5 और 7 है, इनमें से छोटी संख्या कौन सी होगी। दोस्तों संख्याओं का एच सी एफ कितना दे रखा है दोस्तों 4, एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड 5 और 7 है, 5 और 7 एलसीएम के क्या हो गए गुणनखंड हो गए, तो इनमें से छोटी संख्या कौन सी हो सकती है। तो आपको ये पता है दोस्तों, जो एलसीएम होता है ना वो एचसीएफ का एक फैक्टर होता है, तो इसको भी आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 × 5 = 35 इंटू 4 35 × 17 × 140 आ गया आपके पास क्या इसका एलसीएम, एलसीएम कितना आ गया आपके पास 140 आ गया। तो आपको क्या जानते हो, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ,
एलसीएम इंटू एचसीएफ का मान कितना है 140। तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर कैसे निकालेंगे, इसके गुणनखंड कर लो 140 के। 140 के जब आप गुणनखंड करोगे तो क्या करोगे, 140 को 2 से कटो 70 बार, 2 से कटा 35 बार, 5 से कटा 7 बार, 7 से कटा 1 बार। तो 2, 2, 5 और 7 आपके पास क्या आया इसका गुणनखंड। कुछ मिस्टेक करी है इसमें यार, क्या करेंगे, 2, 2, 5 और 7 आ रहा है, इनके अभाज्य गुणनखंड देखो, एक तो कौन कौन सा आ रहा है बताओ, 2 दूनी 4, 4 इंटू 5 आ गया, 4 इंटू 7 भी तो आ रहा है, 4 इंटू 5 और 4 इंटू 7 आ गया, तो दोनों अभाज्य है ना, 4 पंजे 20 और 7 चौके 28, तो संख्या कौन सी आ जाएगी 20, छोटी वाली संख्या कौन सी आएगी दोस्तों 20। अगला प्रश्न है तीन संख्याओं का, ध्यान देना दोस्तों, दो संख्याओं के प्रश्न बहुत सारे कर लिए आपने, कभी कभी प्रश्न तीन संख्याओं का भी पूछ लेता है। तीन संख्याओं का एलसीएम 4752 है, उनका एचसीएफ 6 है, यदि दो संख्याएं क्रमशः 48 और 66 हो तो तीसरी संख्या ज्ञात करो। बड़ा अच्छा प्रश्न है दोस्तों, दो संख्याओं का एलसीएम इतना दे रखा है, एचसीएफ इतना दे रखा है, पहली संख्या कैसे निकालेंगे बताओ जरा आप। एलसीएम आपके पास है 4752, एचसीएफ कितना है 6 है आपके पास, एचसीएफ कितना है 6 है। चलो अब इसमें दोस्तों ये है कि दो संख्याएं क्रमशः 48 और 66 है, तो एक संख्या तो आपके पास कितनी है दोस्तों 48, दूसरी संख्या है 66, इसके गुणनखंड करो, 8 इंटू 6 हो जाएगा, इसके गुणनखंड 66 है कि 60 है, 66 है, तो इसके गुणनखंड कितने हो जाएंगे 11 इंटू 6, ठीक है। अब एक काम करो दोस्तों, आपको ये पता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इंटू थर्ड नंबर, भाई दो संख्याएं थी तो फर्स्ट इंटू सेकेंड आता था, और तीन संख्या होगी तो कितना आ जाएगा, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर मल्टीप्लाई थर्ड नंबर। तो तीन संख्याओं का गुणनखंड 4752 है, एलसीएम मान लीजिए कि उसमें ना तीसरी संख्या का एलसीएम कितना है x है दोस्तों, कितना है x है, तो यहाँ से क्या करेंगे, जो फैक्टर है वो निकाल लो, 8 इंटू 6 आ रहा है, फिर 11 भी आ रहा है, और एक को आप x मान लो। अब इसको है ना x का मान कैसे निकालेंगे, 4752 बटे 8 इंटू 6 इंटू 11, काट पीट लीजिएगा, जो आएगा आपके पास x का मान आ जाएगा। अगला प्रश्न है 252 और 294 और 3 हैज 8 का एचसीएफ 42 है, तो हैज का मान ज्ञात करना दोस्तों, बड़ा अच्छा प्रश्न है। आपको ये पता है कि जो एचसीएफ होता है, जो कौन होता है एचसीएफ, उसमें वो सभी संख्याओं को काटेगा, यानी कि एचसीएफ से 252 के अंदर पूरा पूरा भाग जाएगा, 294 के अंदर पूरा पूरा भाग जाएगा, और 3 हैज 8 में भी पूरा पूरा भाग जाएगा, यानी हमें वो संख्या निकालनी है जो 3 हैज 8 जो है ना, ये डिवाइड किससे होगा दोस्तों, ये डिवाइड होगा किससे 42 से। अब 42 से डिवाइड का मतलब है 42 के फैक्टर कर लो, 21 दूनी 42, तो 3 इंटू 7 इंटू 2, 3 इंटू 7 इंटू 2, ठीक है। तो आपको ऐसी संख्या देखनी है, यहाँ पर हैज का मान रखना है अलग अलग, 1, 2, 3, 4 करके, कि ये संख्या किससे डिवाइड हो, 42 से हो, या फिर मैं ऐसे कहूँ कि ये 3 से भी डिवाइड हो, ये 7 से भी हो, और ये 2 से भी हो। तो 318 के अंदर, सॉरी 3 हैज 8 में आप इस डैश का मान रख के देखो 1, तो 318 आएगा। क्या ये 2 से विभाजित है, सही है, 3 से विभाजित है, 8, 3, 11 और 1, 12, 3 से भी है। क्या ये 7 से विभाजित है, 7 21 7 4 28, फिर 3 बचा नहीं जाएगा, 7 से विभाजित नहीं है, 2 रखे देखो 328,
दो से विभाजित है, तीन से है, 13 नहीं है, ये भी नहीं जाएगा, 338। दो से है, तीन से नहीं है, 6 4 14 तीन से नहीं है, ये भी नहीं होगा। 348 रख के देखो, 8 4 12 3 15 तीन से है, दो से भी है, 7 4 28 सात से नहीं है, 358 रख के देखो, तो सात से है क्या, सात से नहीं है, 6 रख के देखो, 6 से है क्या, सॉरी 3 से है, 6 3 9 तीन से ही नहीं है, तो 7 रख के देखो, 3 से डिवाइड है, 7 3 10 3 से डिवाइड हो रही है ये संख्या, ये 2 से भी हो रही है, कि 7 से भी हो रही है, 7 5 35 2 7 4 28 सात से भी हो रही है, यानी कि हैज़ का मान कितना आएगा, 7। तो हैज़ का मान कितना आ जाएगा आपके पास दोस्तों, 7। या फिर आप है ना, इतने सब कुछ मान रखने की बजाय आप यहाँ से भी मान रख सकते थे, 2 रख के देखो, 4 रख के देखो, 7 रख के देखो, 8 रख के देखो, वह संख्या किससे डिवाइड होनी चाहिए, 42 से। अगला प्रश्न है, दो दी गई संख्याओं का एलसीएम उन संख्याओं के एचसीएफ से 6 गुना है, यदि दोनों संख्याओं दोनों में से छोटी संख्या 6 हो तो दूसरी संख्या कौन सी होगी। दो दी गई संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ से, यानी कि एलसीएम जो है वो एचसीएफ इनटू कितना है, 6 है, छोटी संख्या 6 है, फर्स्ट नंबर कितना है, 6 है, तो सेकंड नंबर आपको पता करना है। दो तरीके हैं प्रश्न को सॉल्व करने के, आपको ये पता है एलसीएम इनटू एचसीएफ कितना होता है, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, ठीक है। तो एलसीएम कितना है आपके पास, एल को एल ही रहने दो, एचसीएफ का एलसीएम का मान कितना है, 6h, और एचसीएफ को एच ही रहने दो, मैं एक्स वाई कुछ नहीं मान रहा हूं दोस्तों, बराबर पहली संख्या और दूसरी संख्या, एक संख्या 6 है, दूसरी संख्या आपको निकालनी है, ठीक है। अब लोचा फंसेगा आपके पास, तो यहां से नहीं आएगा, 6h स्क्वायर आ जाएगा बराबर 6 इंटू सेकेंड नंबर आ जाएगा, 6 से 6 कटेगा, एच स्क्वायर बराबर सेकेंड नंबर, यानी कि दूसरी संख्या जो है ना दोस्तों वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। मुझे कैसे पता, सेकेंड नंबर एच सी एफ का स्क्वायर है, यानी कि एच सी एफ क्या आएगा, या मैं कहूं दूसरी संख्या पूछ रहा ना, तो दूसरी संख्या जो है वो एच सी एफ का स्क्वायर है, ठीक है। तो बताओ क्या हो सकता है इसमें, 9 हो सकता है क्या इसके अंदर, बिल्कुल x का मान कितना हो सकता है, 9 हो सकता है, ठीक है। एक मिनट चेक करते हैं इस प्रश्न को। एक तरीका और है, मान लो इसका जो LCM है वो x है, तो HCF कितना आ जाएगा बताओ, 6x आ जाएगा, है ना। या HCF को x मान लो, HCF को आपने x माना, तो LCM कितना आ जाएगा बताओ, 6x, x इंटू 6x बराबर कितना आ जाएगा, एक संख्या a एक संख्या b, 6b अपॉन c, हाँ सही है, वही तरीका है, मैं a b रख के देखो, x y रख के देखो, मान वही आएगा। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का HCF 23 है, उनके LCM के अन्य दो गुणनखंड 13 और कितने हैं, हट जा, 24 है, बड़ी संख्या कौन सी होगी, ये प्रश्न मैंने करवा रखा है, कहां पर ध्यान दीजिए जरा, ये रहा HCF इतना है, LCM के अन्य दो गुणनखंड ये हो गए, छोटी संख्या, सेम तरीका है, आप वहां भी अप्लाई कर सकते हो। HCF 23 है, LCM के अन्य दो गुणनखंड कितने हैं, 13 और 24, उनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी, इस बार बड़ी संख्या पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, बड़ी संख्या आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 13 इंटू 24 इंटू 23, ये संख्याओं के क्या हो जाएंगे, गुणनखंड, यानी कि एलसीएम के तीनों फैक्टर हो गए, 13 24 नहीं है, 14 है, सॉरी यहाँ 14 आएगा, तो 13 एलसीएम के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 13, 14 और 23, क्योंकि तीनों अभाज्य संख्याएं हैं, एक दूसरे से अभाज्य है, तो 13, 14 और 23 आ गया, उनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी। जब आपको बड़ी संख्या निकालनी हो तो क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, यानी कि ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 13 इंटू 14 इंटू 23, ठीक है, गुणनखंड कर लो, 13 और 2 इंटू 7,
फिर 23, ठीक है। अब इसमें अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से बन रहे हैं वो देखो, 23 7 का बन रहा है, 23 2 का बन रहा है और 23 13 का भी बन रहा है, ठीक है, सबका ही बन रहा है ना आपस में। छोटी पूछ रहा है कि बड़ी पूछ रहा है, बड़ी पूछे तो सबसे बड़ी संख्याओं का गुणा कर दो, छोटी पूछे तो 14 आ जाएगा, तो 23 को 13 से उल्टा करो, 13 3 39, 3 13 2 26 और 3 29, 299 इज द ग्रेटेस्ट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट नंबर 7 2 14। दोस्तों योग और अंतर पर कुछ आधारित प्रश्न हैं जिनकी बात अपन अगले वीडियो के अंदर करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।